नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज है 26 मार्च। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस के संबंध में, जो कि पूरे देश में एक महामारी के तौर पर उभर चुका है। आपको बता दें कि 21 दिनों का पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन करने की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जारी अधिसूचना में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी कार्यालयों को पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए हैं। सरकारी कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश इस दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज बस, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बस, टैक्सियाँ, ऑटो रिक्शा के अंतर्राज्यीय संचालन को इस दौरान बंद रखा जाएगा। जिला प्रशासन से अधिकृत सार्वजनिक वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। 5 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। आदेश का पालन न करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जान है तो जहान है। हर वीडियो में मैं यही बात कहता हूं कि जान है तो जहान है। अगर आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आप अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे और भी काम कर सकेंगे, अपने परिवार को खुश रख सकेंगे। लेकिन अगर आपकी जान ही नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन का मतलब होता है कि आप अपने घर में रहें, घर से बाहर मत निकले। तो मुझे विश्वास है कि आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और इसका पालन भी करेंगे। दूसरी खबर जेईई मेंस योम नीट परीक्षा को लेकर है। एनटीए की ओर से जेईई मेंस की परीक्षा तिथि में बदलाव के बाद 3 मई को होने वाली संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट एक साथ पढ़ने की संभावना बन रही है। मेडिकल परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन करने वाले अमिताभ सोनी का कहना है कि यह 14 अप्रैल के बाद भी कोरोना का खतरा मंडराता रहा तो 3 मई को प्रस्तावित नीट की तिथि में बदलाव करना पड़ सकता है। नीट एवं जेईई मेंस दोनों परीक्षाएं एनटीए कराता है, ऐसे में अब लग रहा है कि जेईई मेंस 3 मई के बाद ही हो पाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जेईई मेंस ऑनलाइन और नीट ऑफलाइन होने से एनटीए को दोनों परीक्षाएँ एक साथ कराने में परेशानी हो सकती है। तीसरी खबर एसएससी की है। एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय अर्थात सीजीएल परीक्षा 2019 के टीयर 1 का परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। आयोग की ओर से सीजीएल टीयर 1 परीक्षा 3 मार्च से 11 मार्च के बीच पूरी होने और 5 दिन के भीतर 16 मार्च 2020 को उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अब आयोग परीक्षार्थियों की आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद जल्द टीयर 1 परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। आयोग की ओर से अप्रैल माह के अंत तक परिणाम जारी करने की तैयारी है। मैं आपको बता दूं कि एसएससी की अधिकांश परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, तो यह परिणाम अप्रैल के अंतिम तक जारी नहीं हो पाएगा, ऐसी संभावनाएं कम हैं। 15 मई 2020 के पहले परिणाम जारी कर दिया जाएगा। चौथी खबर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 सारी शिक्षा विषय के परिणाम पर प्रतियोगी छात्रों ने आपत्ति उठाई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए जारी परिणाम में गड़बड़ी है। 19 मार्च 2020 को जारी मेरिट में 246 पदों के सापेक्ष समान वर्ग की 129 सीटों पर चयन हुआ है। इनमें तकरीबन 15 अभ्यर्थियों को एमएड के लिए 10 नंबर का भारांक दिया गया है, जबकि उनके बीएड का कोई जिक्र नहीं है। स्नातक में बीपीएड और परास्नातक में एमएड दिखाया गया है।
एमएड की पढ़ाई बीएड के बाद होती है। यदि इन अभ्यर्थियों ने बीएड किया है तो शुरू का भी 5 नंबर भारांक देना चाहिए। ताजुब की बात है कि शारीरिक शिक्षा की भर्ती में एक भी अभ्यर्थी एमपीएड क्वालिफाई नहीं है, जबकि एमएड की डिग्री एक दर्जन से अधिक ने लगा रखी है। इस तरह बिना वेरिफिकेशन कराए स्पोर्ट कोटे का भारांक भी दिया गया है, जबकि 2013 की भर्ती में केवल 5 अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के बाद भारांक दिया गया था। छात्रों का दावा है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने फर्जी स्पोर्ट कोटा का प्रमाण पत्र लगाकर अनुचित लाभ ले लिया है। अब ये चयनित अभ्यर्थी आवंटित स्कूल के लिए मैनेजर से लेन देन कर नौकरी पा जाएंगे। तो इस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। अब देखना होगा इस आपत्ति का क्या निस्तारण होता है। फिलहाल कोई भी जानकारी होगी मैं आपको जरूर दूंगा। 5वीं खबर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 को लेकर है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च 2020 निर्धारित की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते आवेदन बहुत कम प्राप्त हो रहे थे, जिसके कारण आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब आप सभी आवेदन 20 अप्रैल 2020 तक कर पाएंगे। साथ ही साथ परीक्षा तिथि में भी परिवर्तन कर दिया गया है, जैसा कि मेरे द्वारा कल ही आपको बता दिया गया था। पहले यह परीक्षा 26 और 27 अप्रैल 2020 को होने वाली थी, लेकिन अब यह परीक्षा 31 मई 2020 और 1 जून 2020 को आयोजित की जाएगी। तो आप सभी अपनी तैयारी में जुटे रहें। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। 6वीं खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीए 2019 मुख्य परीक्षा को लेकर है। कई अभ्यर्थियों के मन में सस्पेंस बना हुआ है कि मुख्य परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी या नहीं। तो उससे पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि पीसीए मेंस 2019 को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत जो अभ्यर्थी अब तक ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग में नहीं जमा कर सके हैं, वे अब पीसीएस मुख्य परीक्षा से एक दिन पहले यानी कि 19 अप्रैल 2020 तक आयोग में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा कर सकेंगे। पहले हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2020 निर्धारित की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है, अब 19 अप्रैल 2020 कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि पीसीए 2019 की मुख्य परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा या नहीं, जो कि 20 अप्रैल 2020 को प्रस्तावित है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 99% आप मानकर चलिए कि मुख्य परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा। 15 या 16 अप्रैल को आपको नोटिस देखने को मिलेगी। आगे कोई भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से पीसीए 2019 के संबंध में दी जाएगी। 7वीं खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर पीसीए 2019 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को लेकर है। कई अभ्यर्थियों ने लोअर पीसीए 2019 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के संबंध में जानकारी मांगी है। इधर पूरे देश में कोरोना का कहर छाया हुआ है। मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया था कि 6 अप्रैल 2020 तक लोअर पीसीए 2019 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब जो जानकारी प्राप्त हुई है कि लोअर पीसीए 2019 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 15 अप्रैल के बाद जारी किया जाएगा, इस पर आयोग विचार कर रहा है। आयोग का कहना है कि कोई भी परिणाम जारी करें तो उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाएं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कर्मचारी बहुत कम आ रहे हैं और आयोग की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं बहुत धीमी हो गई हैं। तो आप सभी को थोड़ा धैर्य बनाना होगा, इंतज़ार करना होगा। ऐसा नहीं है कि आयोग खुला नहीं है, आयोग में काम नहीं हो रहा है। आयोग में काम हो रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से। जब कर्मचारी नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा। तो आप सभी थोड़ा और इंतज़ार कर लें। कोई भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आगे आपको दी जाएगी। 8वीं खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम 2020 को लेकर है। एग्ज़ाम 2020 को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सस्पेंस बना हुआ है, जबकि एग्ज़ाम बहुत दूर है भी। 7 जून 2020 को एग्ज़ाम 2020 प्रस्तावित है। कई अभ्यर्थियों ने सवाल पूछे हैं। एक अभ्यर्थी का कमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभ्यर्थियों का कहना है कि एग्ज़ाम निर्धारित तिथि पर होगा या नहीं। देखिए, जो लॉकडाउन किया गया है वह 21 दिन का किया गया है। 15 अप्रैल के बाद स्थिति जैसी होगी आगे की परीक्षाओं पर उसी प्रकार से निर्णय लिया जाएगा, लेकिन
7 जून 2020 को होने वाली परीक्षा असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप मान कर चलिए कि AE एग्ज़ाम 2020 जो कि 7 जून 2020 को प्रस्तावित है, स्थगित नहीं होगी।